7.9 किलो ब्राउन शुगर और 32 लाख रुपए के भारतीय नोटों के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। मालदा जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गोपालगंज फाड़ी की पुलिस ने 7 किलो 900 ग्राम ब्राउन शुगर और 32 लाख रुपए के भारतीय नोटों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। घटना में समीर से एक नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। मालूम हो कि गोपालगंज फाड़ी की पुलिस ने देर रात गुप्त सूत्रों से मिली सूचना के आधार के बाद बावन टोला इलाके में छापेमारी की। पुलिस ने वहां छापा मारकर समीर शेख को गिरफ्तार कर लिया। पता चला है कि उसका घर उसी इलाके में है। पुलिस ने उसके पास से 7 किलो 900 ग्राम ब्राउन शुगर, एक गिनने की मशीन और 32 लाख रुपए के भारतीय नोट बरामद किए हैं।